आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस। फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबाना कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास पहले जाए। हेलो, मेरा नाम सहाना है और खाना खजाना चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो इसके लिए मैंने लिया है सब्जी, थोड़ा सा बीन्स, मैंने इसको पतला करके ऐसे लंबा पीसेस में कट कर लिया है, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा कैबेज, और लिया है 2-3 ग्रीन चिली, और अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट करके थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 प्याज, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और 1.5 चम्मच विनेगर, 3 चम्मच तेल, 2 चम्मच टमाटर सॉस, 1 चम्मच ब्लैक पेपर या काली मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच हम फ्राइड राइस मसाला, और मैंने लिया है बना हुआ चावल। मैंने आपके पास पहले का बना हुआ चावल होगा तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने स्टोव का ऊपर कढ़ाई बैठा दिया है और गैस को भी ऑन कर दिया है, और अब गैस कढ़ाई गर्म हो गया है। हम उसमें डाल देंगे तेल, और अब डालेंगे हम उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को ग्रेट कर लिया है, ग्रेट करके डाला है, और अब हम उसमें डाल देंगे ग्रीन चिली, फिर उसको एक बार मिला देंगे, फिर हम डालेंगे उसमें प्याज, प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि चाइनीज फूड में ज़्यादा फ्राई नहीं होता है। अब हम उसमें डाल देंगे सब्जी, पहले बीन्स। तो मैंने यहाँ पे 4 तरह का सब्जी यूज़ किया है, आपका पसंद के हिसाब से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हो। और गाजर और बीन्स थोड़ा पक गया है, और अब हम उसमें डाल देंगे कैप्सिकम, फिर कैबेज। ये कैप्सिकम और कैबेज पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए हम थोड़ा टाइम बाद ही डाला है। फिर उसको एक बार अच्छे से मिला देंगे, और उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, फिर उसको अच्छे से एक बार मिला देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जी को ज़्यादा नहीं पका है, 55% ही पका है, और अब हम उसमें डाल देंगे फ्राइड राइस मसाला, फिर उसको अच्छे से मिला देंगे, और फिर हम उसमें डाल देंगे चावल, और चावल को फिर अच्छे से उसके साथ मिला देंगे, और फिर हम उसमें डालेंगे ब्लैक पेपर का पाउडर, टमाटर सॉस, यहाँ पे आप लोग ये सोया सॉस भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया है, और आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हो। और अब हम उसमें डाल देंगे विनेगर, विनेगर डाल के उसको अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी में क्या होता है, बहुत ही जल्दी बनता है, और आपके पास बचा हुआ चावल रह जाए तो इसी चावल से आप लोग बना सकते हो। और फिर हम थोड़ा धनिया पत्ता मिला देंगे। आप देख सकते हो फ्राइड राइस बनके रेडी हो गया है, और हम गैस को ऑफ कर देंगे। फिर हम एक प्लेट में निकालेंगे, तो आप देखिए कितना अच्छे से बना है, और अब हम प्लेट में निकाल रहे हैं। और आप देखिए फ्राइड राइस रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रहा है, और अब हम इसी में थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे सर्व करने के लिए।